नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम 27 जनवरी के पेपर का टॉपिक देखेंगे। आज कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं जिसका विश्लेषण हम शाम को इसका अलग से वीडियो डाल देंगे पूरा साल भर करके। आज के इस वीडियो में CDP सिंपल पूछा गया था, EBS में 5-6 क्वेश्चन नए पूछे गए हैं जो कि NCERT से बाहर हैं, जबकि संस्कृत के जो पैराग्राफ हैं ज़्यादा लेंदी पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए आज CDP में। देखिए, इसमें मेटाकॉग्निशन पूछा गया है, परासंज्ञान के बारे में, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई बच्चा है जो कि किसी कांच को देखकर और छूकर समझ सकता है, लेकिन जब मौखिक रूप से उसके बारे में बताया जाता है तो वो बच्चे की कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये पूछा गया था, इनकी चारों अवस्थाओं में से ये कौन सी अवस्था है। चमोत्स्की के बारे में पूछा गया था, जो कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पूछा गया था। जब एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्वारभाटा के बारे में कि जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी घटेगी तो ज्वारभाटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें ऑप्शन दिया गया था। वाइगोत्स्की के ZDPD के बारे में पूछा गया था, मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। स्टीफन क्रेसन के अनुसार पूछा गया था, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया था, मूल्यांकन से क्वेश्चन डेली पूछ रहे हैं। NEP 2020 से क्वेश्चन पूछे गए थे। EBS में देखिए क्या क्या पूछा गया था, कुछ नए क्वेश्चन इसमें है। देखिए, इसमें सांप पर क्वेश्चन पूछा गया था, पेडोगाजी से संबंधित था कि सांप के कान नहीं होते हैं, बीन्स के धुन से वे सुनते हैं, मतलब ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया था। आज एक क्वेश्चन पूछा था लद्दाख की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, कारगिल उसमें ऑप्शन था सही वाला। एक क्वेश्चन है कि कौन सी जगह जो लद्दाख में पाई जाती है, ये वही सेम क्वेश्चन है। सांप की जहर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जब सांप की जहर से ही वो सीरम नामक दवाई बनाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था कि अगर किसी को सांप काटेगा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए या वीडियो दिखाना चाहिए, ये सब ऑप्शन दिए गए थे। पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया था, पोचमपल्ली पहले कहाँ पर था अब कहाँ पर है, तो पहले ये आंध्र प्रदेश में था, तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश था, अब इस समय तेलंगाना में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उल्का पिंड किस मंडल में आकर जल जाता है, निपुण भारत से एक क्वेश्चन पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से फिर क्वेश्चन पूछा गया दोबारा। एक क्वेश्चन था जो पहले जो कुएं बनाए जाते थे तो राउंड मतलब राउंड करके क्यों बनाए जाते थे, जल संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में था। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खी पालन से संबंधित क्वेश्चन था, ये लद्दाख वाला हो गया है। एक क्वेश्चन था पहेली से संबंधित था कि कौन से पक्षी टुक टुक करके पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाती है, घर बनाती है, इससे संबंधित था। तालाब वाला प्रश्न पूछा गया था, सभी राज्य जो अलग अलग राज्य के घरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था हड्डियों की कमजोरी किस विटामिन के कारण होती है, महाराष्ट्र की साड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तेल शोधक केंद्र बॉम्बे हाई या पश्चिम बंगाल या पेट्रोलियम से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये नए क्वेश्चन है। मैथ में देखिए चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न से संबंधित डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक FLN से संबंधित कुछ है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के बारे में एक क्वेश्चन था, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन हिले के अनुसार आयत वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, वेन हिले की जो प्रकार है उससे संबंधित। ये सिमेट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आज में समचतुर्भुज में पूछा गया था, सिमेट्री से भी संबंधित डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले एक दिन वर्ग का आया था, एक दिन आयत का आया था, आज चतुर्भुज का पूछा गया था, दशमलव का जोड़ घटाना पूछा जा रहा है। मैथ के पैडागोजी में NEP से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, जो कि सिंपल ही थे। हिंदी में देखिए क्या पूछा गया था, पैराग्राफ एक दिया गया था ताड़ पत्र पर पांडुलिपि से संबंधित जो लिखा जाता है, पहले की जो संस्कृतियां थी उससे सुंदर लिखावट से संबंधित एक पैराग्राफ पूछा गया है। मित्र का पर्यायवाची पूछा गया था, चमोत्स्की से संबंधित हिंदी में पूछा गया है, भाषा कौशल से संबंधित, उत्पादन कौशल से संबंधित दो प्रश्न था, वाइगोत्स्की से संबंधित दो क्वेश्चन था, ये सभी हिंदी में था। इंग्लिश में देखिए क्या पूछा गया था, इंग्लिश में पैसेज पूछा गया था बजाज पर एक था और दूसरा फैमिली पर पूछा गया था, दो क्वेश्चन था, इसमें एन का प्रयोग है, एडजेक्टिव वर्ब ये सब पूछे जा रहे हैं। संस्कृत में पैराग्राफ पूछा गया था जिसमें तीन मछलियों से संबंधित कोई क्वेश्चन था, मतलब वो लॉन्ग पैराग्राफ था। संस्कृत में एक महिला ने किसी नेवले को पालती है जो नेवला किसी सांप को मार देता है, जिससे संबंधित कोई पैराग्राफ पूछा गया था। हमने CDP EBS हिंदी संस्कृत इंग्लिश सभी के बारे में बातचीत की है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं EBS के, ज़्यादा EBS के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान न दें, जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सलूशन हम
आज आज ही वीडियो में डाल देंगे। जय हिंद।